हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये पुराना सूट रखा हुआ है जिससे मैं आपको एप्रिन बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एप्रिन बनाने के लिए सबसे पहले हम इस सूट को इस तरह से उल्टा कर लेंगे। ये देखिए, हमारा सूट जो है उल्टा हो गया है। इसके दोनों पार्ट हम नीचे से अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब देखिए, हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। इसको इस तरह से होल्ड करके ये देखिए, हम इस पर यहाँ से इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारा इस तरह से कट हो गया है। ये जो है ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए हम इसको और छोटा करेंगे। हमें ये वाला हिस्सा ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। ये देखिए, इसलिए हम इसको इतना कट करेंगे। ये देखिए, हमारा कट हो गया है और ये हमारे दोनों पार्ट हैं। अब हम इस पर यहाँ से उल्टा करके जिस तरह ये है, इस तरह से ही यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। ये देखिए, मैं अभी आपको लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, हमारी इस पर जो है ये सिलाई लग गई है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट हो गया है। अब इसी तरह हम इस साइड का भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसको जो है इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, हमारा ये सीधा हो गया है। अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पर दूसरे कलर की पाइपिंग लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा ये और सुंदर लगेगा। अगर आप ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन मैं इस पर जो है आपको दूसरे कलर की पाइपिंग लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरे पास ये इस कलर का कपड़ा है जिससे मैं इसकी पट्टी कटिंग कर इस पर पाइपिंग लगाऊंगी। ये देखिए, हमें इतने साइज की पट्टी कट करनी है।
ये देखिए हमारी ये पट्टी जो है कट हो गई है। ये देखिए हम अब इस पर इस तरह से इसको लगाएंगे। ये देखिए हम इसको जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाएंगे, इस पट्टी को इस तरह से इस साइड से भी और इस साइड से भी दोनों साइड से फोल्ड करके इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रखकर हम इस पर दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैं अभी आपको इस पर सिलाई लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी पट्टी जो है यहाँ पर इस तरह से लग गई है। अब दूसरी साइड भी हम इस तरह से ही करके ये वाली पट्टी यहाँ पर इस तरह से ही देखिए यहाँ पर रखकर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी ये जो दोनों पट्टियाँ हैं ये दोनों साइड लग गई हैं। अब इसी तरह से देखिए मैंने इस साइज की पट्टी कट की हुई है जिसको मैं यहाँ पर आपको अभी लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारे तीनों पार्ट पर जो है ये पट्टी लग गई है। अब हम इस पर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह की पट्टी लगाएंगे, लेकिन उसकी कटिंग जो है दूसरी तरह से होगी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से होगी। ये देखिए इसकी कटिंग जो है हम इस तरह से ये पट्टी कटिंग करेंगे। सारी पट्टी हम जो है इस तरह से ही इसकी कट करेंगे। ये देखिए हमारी जो है इसकी ये सारी पट्टियाँ कट हो गई है। अब हम इन पर सिलाई करेंगे, देखिए कि किस तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए ध्यान से आपको देखना है, ये इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई करनी है और ये इस तरह से हो जाएगा। आपको इस तरह से नहीं रखना है, ये दोनों आपको एक इस साइड करनी है और एक इस साइड करनी है। ये देखिए मैं आपको अभी सिलाई लगा कर दिखाऊँगी। ये देखिए हमारे जो है सभी पार्ट पर इस तरह से सिलाई लग गई है। अब हम जो ये एक्स्ट्रा निकला हुआ है ये कटिंग कर देंगे इसका। ये देखिए इस तरह से हम ये एक्स्ट्रा निकला हुआ कट कर देंगे। और ये हमारी पूरी पट्टी जो है वो तैयार हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये पट्टी जो है किस तरह से लगानी है। ये देखिए हमें इस पट्टी को जो है इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह यहाँ पर उल्टी साइड पर इस तरह से सिलाई लगानी है, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए मैं आपको अभी लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने जो है ये इस पर उल्टी साइड इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब हम इसको यहाँ पर छोटा छोटा कट करेंगे। देखिए इस तरह से हल्का हल्का सा कट करके ये देखिए हमारा ये कट भी हो गया है। अब हम इसको इस तरह से सीधी की साइड ऐसे करके यहाँ पर पूरे पर इस तरह से ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको अभी लगा कर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी जो है ये पट्टी यहाँ पर लग गई है और ये हमारी चारों तरफ की पट्टी जो है वो लगकर कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर एक चौड़े साइज की पट्टी कट करके वो यहाँ पर लगाएंगे इस साइड और इस साइड। देखिए मैं आपको अभी दिखाऊंगी किस तरह से लगानी है।
ये देखिए मैंने जो है ये इतनी चौड़ी एक पट्टी कट की हुई है, जिसको हम ये देखिए इस तरह से, इसको भी हम इस तरह से ही फोल्ड करके इसको जो है हम चौड़ा फोल्ड करेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरी पट्टी पर। देखिए मैं आपको अभी इस पर सिलाई लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी इस पट्टी पर जो है ये सिलाई लग गई है। अब हम इस पट्टी को देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर करके, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ये देखिए मैं अभी आपको इसकी सिलाई लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा जो है दोनों साइड से इस तरह से जुड़ गया है। अब हम बारीक बारीक पट्टी कटिंग करेंगे जो कि हमें यहाँ पर और यहाँ पर जोड़नी है। ये देखिए मैंने जो है एक बारीक पट्टी कट कर ली है, इसको भी मैं इस तरह से ही फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाऊंगी। मैं अभी जो है पूरी पट्टी पर सिलाई लगाऊंगी और फिर सिलाई लगाने के बाद आपको ये कट कर कर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी पट्टी जो है ये सिल गई है। अब हम इसको बीच से कट करके, ये देखिए हम इसको यहाँ से कट करने के बाद इसको यहाँ पर इस साइड और इस साइड यहाँ पर अटैच करेंगे, जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी पट्टियाँ जो हैं ये दोनों साइड अटैच हो गई हैं, जो कि ये इस तरह से पीछे की साइड यहाँ पर इस तरह से बांधी जाएंगी। ये देखिए चलिए अब हम अपनी इस पर जो है एक पॉकेट बनाएंगे, जिसके लिए हम अपनी अब ये कपड़ा कट करेंगे। ये देखिए पॉकेट के लिए जो है हम ये जो है हमारी बाजू बची हुई है इससे पीस कट करेंगे। ये देखिए हमारा जो है पीस कट हो गया है। ये देखिए अब हम इसको इस पर यहाँ पर रखकर इस तरह से इस पर यहाँ पर ये देखिए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको अब इस पर सिलाई लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे पास ये किस तरह का पैच रखा हुआ है, जिसको हम यहाँ पर रखकर इस पॉकेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर इस पॉकेट को अपने एप्रिन पर लगाएंगे। ये देखिए मैं आपको अब ये सब कुछ लगाकर दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा ये जो है इस कपड़े पर अटैच हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको एक बार फिर दिखाती हूँ, इसको यहाँ पर इस तरह से रखकर अब हम इसकी यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी ये पॉकेट भी जो है ये बनकर तैयार हो गई है और ये हमारा एप्रिन जो है कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये एप्रिन जो है वो पूरा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय फ्रेंड्स।